माया संबंधे अंत की बार को खरा न हो सी सब मिथ्या असने पुतर कलतर लोक गृह बनता माया संबंधे अंत की बार को खरा न हो सी सब मिथ्या असने रे नार काहे पपूर हो देही उड़ जाएगो तुम बादरो एक पाज हो राम सनेही रहाओ तीन संज्ञा कर देही किनी जाल कुकर पसमेही होए आमर गृह माह बैठा करन कारण बिसरोही अनक पात कर मणिये साजे काचा ताग परोही टूट जाएगो सूत बापर फिर पाशा पछतोही जिन तुम सिरज सिरज सवारे तिस त्यावहो दिन राय नेही जान नानक प्रभ कृपा तारे मैं सत गुर ओट गहेही जिन तुम सिरज सिरज सवारे तिस त्यावहो दिन राय नेही जन नानक प्रभ कृपा तारी मैं सतगुर ऊट गही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम वाहिगुरु साहिब जी कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझाबो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे पावन पवित्र अस्थान तो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी महाराज दे अलाकी हुक्म सत्कारयोग सिंह साहिबान जी होरां ने अज अमृत वेले पढ़ के सानू सुनाए ने यह पावन पवित्र मुबारक बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी उन्हां दे 609 अंग दे उत्ते सुशोभित है। इस अमृत बचन दी विचार करन तो पहला बिरतियां दी एकाग्रता बना के अदब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख प्रभु मिलाप दी लोचा लेके दुनी सोहाबे बाग विच आया पर इत्थे आउंदिया सार इहदे नाल जो भाणा वरतिया साहब ने वह अमृतमई बचना विच अंकित किया है। विचों गर्भ निकल आया खसम विसार दुनी चित लाया जा अमृत बोल है जोन छाड़ जो जग में आयो लागत पवन खसम विसरायो। मालिक भुल गया अपने आप नू सच मन के दुनी चित ला के
ते अपना साईं दी याद नालो रिश्ता तोड़ लिया। साहब ने अज सानू जिंदगी दी तस्वीर विखाई है, मना जिन्हां दी खातर तू दीन नू भुली बैठा है, रब नू भुली बैठा है, असल विच उन्होंने तेरी जिंदगी का साथ किन्ना कु देना है। बाकियां कोलों ते साथ दी आस छड़िए, साहब जी आखते ने कहन लगे तेरी खुद दी देही ने तेरा साथ नहीं देना। तेरे मन विच भुलेखा होवेगा, अमृत गुरवाक पढ़दे हो रब्बी बाणी दा, साहब जी दा पावन वचन है, जाग ले ने मना जाग ले कहां गाफिल सोया, जो तन उपजिया संग ही सोपी संग ना होया। जेड़े शरीर दी तू गल करना है, उस शरीर ने भी तेरा साथ नहीं देना, आया जमया तेरे नाल है पर इन्हें निभना तेरे नाल नहीं, तेरे मन का भुलेखा होगा। इसलिए हजूर ने अमृत बाणी विच वचन बख्शिश किए ने, हमरू करता राम स्नेही कागे रे नर गर्भ करत हो बिनस जाय झूठी देही। कहन लगे इस देही दा तू कदा अहंकार करना है, ये ते एक पल विच खत्म हो जानी है, आगे को कुछ तुलहा बंधो कहां परवासा धन का, इस भांडे का कहां विसासा इतना कलागे ठनका। कहन लगे इस भांडे उत्ते इना माण करन वाले आ, इहदा बहुता भरोसा ना करी, ये तां पता नहीं कदों निक्की जी ठोकर लगी ते इस भांडे ने टुट जाना है। तेरे मन विच भुलेखा होवेगा, कबीर ए तन जाएगा कबने मार्ग लाए, कह संगत कर साध की कह हर के गुण गाए। कबीर ए तन जाएगा सको तलेहे बहोर, नांगे पाबो ते गए जिनके लाख करोर। कहन लगे तेरे मन विच भरम होवेगा, शायद मेरे कोल दो पैसे खुले नहीं सन, मैं अपना इलाज नहीं करवा सकिया। हजूर आखते ने कहन लगे कबीर साहब दा पावन बचन है, कहन लगे जिन्हां दे कोल लखां करोड़ां भी सन, वह भी मैं धरती दे तख्ते तो नंगे पैरी तुरदे वेखे ने, भाव एक दिन सब कुछ छड के चले गए ने। मन विच भरम ना पाली पर शायद मेरी देही मेरा साथ देवेगी, इन्हें तेरा साथ नहीं जे देना। ए ते जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी वसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरबर पंख बसेरा, राखो कंध उसारो नीमा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाक सिर डेरी, ए तन गोईगो पश्म की तेरी, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। इत्थे तेरा किसे ने साथी नहीं बनना सरना, तेनू भुलेखा होवेगा। हजूर दा बड़ा प्यारा बचन है, फरीदा इन्नी निक्की जंगी है, थार डूगर पव्योम, अज फरीदा कुजड़ा सैको हाथी ओम। जिन्हां ने इन्ना अपने आप ते हंकार किया, इतना देगी नूं संभाल के रखिया, फरीदा इट सराने भौए सबण, कीड़ा लड़ियो मास, केतड़ियां जुग वापरे इकत पया पास। जिहड़ी देही दा एडा माण करना है, इहनूं जिस तरह कबरां विच लटाया जाणा है, भावे इहदा अंतम किरिया करिया जाणा है, चेता रखी सजणा तेरे कोल इहो जिहा सराणा नहीं होवेगा, तेरे कोल सराणा भी इट दा होवेगा, ते भोए सोना होवेगा, ते तेरी देही नूं कीड़ियां ने खाणा है। तेरे मन विच भरम होवेगा, इस भरम नूं कढ देवी अपने मालक दे चरणां विच जुड़ के, इस देही नाल जिहड़े कार्ज करन वास्ते आया सिरणा, भई प्राप्त मनुख दे होरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी वरिया, अवर काज तेरे कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, रब्बी गुणा नूं धारण करके मालक दे दर ते मुख उजला करन वाला बन जा। वेखी कितै हंकार ना करी, देगी ने तेरा साथ नहीं देना, यह सदीव किसे दे भी साथ नहीं निभदी। इत्थे चंद रोज की कहानी है, कबीर हाड जरे जो लकड़ी, केस जरे जो घास, ए जग जलता देख कै भयो कबीर उदास, जै सिर रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवारे काग, इस तन धन का क्या गरबैया, राम नाम कागे ना दरलैया, कहत कबीर सुनो मन मेरे, एही गवाद होएंगे तेरे। तेरे मन विचो भरम सतगुरु कढ़ना चाहुंदे ने, कहन लगे किते तेनू देही दा हंकार होवे, सजना इहने सदीव तेरे नाल नहीं निभना। इत्थे चंद रोज दी कहानी है, कबीर गर्भ ना कीजिए चाम लपेटे हाड, हैबर उपर शतर धर ते पुन धरनी गाड। कहन लगे हंकार न करी,
चंद कु हड रब ने कठे करके एक उत्ते सोहनी चम की चादर पा दिती है। ए चम की चादर विच लपेटे हुए चार कु हड्डा उत्ते एडा हंकार ना करी। मैं ओ लोक भी वेखे ने जेडे तुरन लग्या 94 घोड़िया दे उत्ते चलदे सन। हैबर दा अर्थ चुने हुए घोड़े, जेडे 94 घोड़े 94 सवारियां अज दी भाषा विच कह लईए अज 94 गड्डियां लैंदे ने, मन भौंदियां गड्डियां लैंदे ने। कह लगे उन्हां दी चंद रोज़ दी जिंदगी वल वेख के भुलेखा ना खामी मना, ये अपने मन विचों भरम कढ देई। हैबर उपर छतर तर उन्हां दे चलन लगे आं, उन्हां दे उत्ते छतर झुलदे सन। ते फुन धरनी गाड मैं उन्हां लोकां नूं धरती विच गड्डियां जांदियां वेख्या है। जिन लोइन जग मोहिया से लोइन मैं डिठ, कजल रेख ना सहिंदियां से पंखी सूए बैठ। जिहड़ियां अखां दे विच कजल दी धार पौंदा सी उन्हें विचों पानी वग तुरदा सी। एक किणका अख विच पै जाए ते उन्हूं चैन नहीं आउंदा, अखों पानी वग तुरदा। कहन लगे इन्ने नाजक जे शरीर नूं सजणा चेता रखी, इहदे विच पंछियां ने आलणे पालणे ने। इस देगी दा हंकार ना करी, जिहड़ी देगी जिस कारज लई मिली है उन्हूं रब दे चरणा विच जोड़ के, उन्हूं मालक दे चरणा विच जोड़ के, उस साई दी मौज विच जुड़ के ते साई दी याद नाल जुड़ के अपने जीवन दा लाहा खटी किते भुलेखे विच ना रमी। भई देगी मेरी सदीव साथ देवेगी, शरीर मेरा सदीव साथ देवेगा। बुढ़ा कुआ शेख फरीद कंबन लगी दे, जे सौ बरिया जीवन पीतन गोसी खे। एनू अजाई ना गुआ बैठी, मालक ने बड़ी प्यारी दात बख्शिश की है। एक छोटी जी उदाहरण दिया, हजूर सच्चे पातशाह नूं पुछिए, तुसी एक पासे कहिंदे हो भी देगी बड़ी अमोलक है, बड़ी औखी लभदी है ते बड़ी कीमती है देगी। ये सारे संसार विचों अगर सब तो वधीक कीमती है ते अशरफुल मखलूकात ते मनुखा देही है। जे इतनी प्यारी देही है दाता जीओ मैनू समझावो, इहनू तुसी मिट्टी दे भांडे नाल क्यों तशबीह दित्ती है, इहनू मिट्टी दे भांडे नाल क्यों उदाहरण दित्ती है, इहनू सोने दे भांडे नाल, इहनू किसे होर चीज नाल, इहनू किसे लोहे दे भांडे नाल, इहनू किसे पित्तल तांबे दे भांडे नाल तरजीह क्यों नहीं दित्ती। हजूर जवाब देंदे ने कहिंदे सजणा जे सोने दा भांडा टुट जाए मनुख सुनियार कोल चला जांदा है। इत्थों तक कह लईए जे मिट्टी उस लोहे दा भांडा भी टुट जाए ते मनुख लोहार कोल लै जांदा है। लक्कड़ दियां भी चीजां बर्बाद हो जाण, कई बारी बंदा तरखाण कोल भी लै जांदा है, इहनू दुबारे वरतण जोगी कर दिओ। पर जदों कदे कुम्हार कोलों कोई भांडा खरीददा ते भांडा टुट जाए, ओह मुड़ के कुम्हार कोल नहीं जांदा भी इहनू दुबारे मुरम्मत करके वरतण जोगा कर दिओ। ओह भांडा टुट गया ते भांडा चुक के सुट दिता जाना, किसे काम नहीं आना। इसे तरह तेरा शरीर है, इहनू हजूर आखदे ने कहिंदे इह तां मिट्टी दा पुतला है। कबीर माटी के हम पुतरे, मानस राखियो नाओ, दिवस चार के पहुने, बड़ बड़ रुद्दे ठाओ। कह लगे मिट्टी दिया पुतलिया, जिस दिन तेरी कायां दा भांडा टुट गया, इहनू चुक के मुड़ के कुम्हार कोल नहीं जाया जाना, भई इहनू दुबारे घर के दुबारे बना दियो। इह ते टुट गया, टुट गया ते मुड़ के चुक के बाहर ही सुटना पैना। इस मन विचों भरम कढ देवी, मेरी देही मेरा साथ देवेगी। हजूर आखते ने कहन लगे जिस कारज लई तेनू मनुखा देही दिती है उस कारज विच ला के इहनू सफला कर लै, बस इहदा इहो ही मनोरथ है। नहीं ते इस देही ने तेरी जिंदगी नूं इक दिन धोखा दे जाना। सतगुरु जी ने अज अमृत बोल बख्शिश कीते ने, आओ रहो वाला बंद नाल लेके चलिए। मेरे दाते ने बड़ी प्यारी बात समझाई है ते उन्हां अमृत बचना नूं अपने हिरदे विच वसाइए। सतगुरु जी रहो वाले बंद तो शुरुआत करदे ने। वाहिगुरु साहिब जी, अरे नार काहे पापो रहो देही। सतगुरु दी ऐसी कमाल है, जदों उपदेश करदे ने ना उदों बहुती बारी धर्मां दे झगड़ियां विच नहीं पैंदे साहिब जी, उदों मनुख नूं उपदेश करदे ने। क्योंकि देखो मैं सिर्फ छोटी जी उदाहरण देनी है, गुरु तेग बहादुर साहिब जी दा वचन है, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने। हुण नर दा अर्थ हुंदा मनुख, हुण मनुख ते सारे ने ना, हिंदू मुसलमान जैनी बोधी कोई भी होवे, मनुख ते मनुख है ना।
बाकी धर्म दियां मोहरां उहदे ते बाद विच लगियां ने। हजूर कहिंदे तू धर्म दियां गल्लां छड्ड, मैं तैनूं ऊंचा उठ के एक मनुख की गल करना चाहुंदा है। हो सकदा है तू धर्म की दुनिया नूं ना मनदा होवे, तू कॉम्युनिस्ट होवे, हो सकदा है तू रब दे डर तों बागी होवे, पर एक गल ते मनुख दे उत्ते ढुकदी है ना, मनुख ते कोई भी हो सकदा है। मेरे साहब ने सारी मानवता नूं गलवकड़ी च लिया होया, गुरु दर तों कदे कोई वांझा नहीं जांदा। यह उपदेश मेरा साहब सब नूं दिंदा। हजूर आखदे ने, कहण लगे का ए मनुख, नर दा अर्थ हुंदा है मनुख, रे नर कागे पपोरो देही। नर दा अर्थ है मनुख, ओ बंदे आ तू क्यों अपनी देही नूं संभाल संभाल रखी जाने, इहनूं निक्की जिही तकलीफ होवे इहदा किड्डा प्रबंध कीता होया, इहनूं गर्मी ना लगे इहनूं किड्डी संभाल करना है, इहनूं सर्दी ना लगे इहदे कपड़िया दी इहदी सुहप्पण दी इहदा सब कुछ दा ख्याल करना है। पर चेता रखी सजणा, ए देगी ने तेरा साथ नहीं देना। इसे लिए तो शेख फरीद का एक श्लोक मैं होर कहना चाहना है। शेख फरीद ने बड़ा प्यारा वचन आखिया, कहन लगे भलिया मैं ते इथों तक फैसला कर लिया, साई की गोद विच बैठ के मेरा मन ते इथों तक मन गया भई इस देगी की खातर, इस दुनिया के रंग रूप की खातर मैं अपने सच्चे साहब की प्रीत नहीं त्याग सकता, क्योंकि रंग रूप सदीव नहीं रहना, सदीव ते साईं दी प्रीत ही रहनी है, उन्हें मेरे साथ निभना है। फरीदा जोबन जांदे ना डरा, जे शह प्रीत ना जाए, जे मेरी मालक नाल प्रीत ना टुटे। फरीदा कीती जोबन प्रीत बिन, सुख गए कमलाए। जोबन जांदे ना डरा, जे शह प्रीत ना जाए। फरीदा कीती जोबन प्रीत बिन, सुख गए कमलाए। मन विचों ए विचार बना के तुरी सजना, जेड़ी देगी नूं इन्नी संभाल संभाल रखना है, उन्हें एक दिन तेनूं धोखा दे जाना, उन्हें तेरे नाल नहीं निभना। सदीव कदे दा शरीर किसे दा नाल नहीं निभदा, एक दिन छट जांदा है। ताई तां गुरमत दे धारनियां ने कदे अपने देही नूं बहुती अहमियत नहीं दित्ती, उन्हां ने रब्बी प्रीत नूं बहुती अहमियत दित्ती है। एक 90 साल दा बजुर्ग जिहदे परिवार दे 53 शहीद होए हुए ने, एक 90 साल दा बजुर्ग इन्हां दे परिवार विच्चों, भाई राओ, राओ का पुत्र है भाई मूला, भाई मूले का पुत्र है भाई बल्लू का पुत्र है भाई माई दास के अगे 12 पुत्र ने। उन्होंने 12 विचों सब तो बड़ा भाई जेठा सिंह, दूजा भाई दयाला जी जेड़ा आरे नाल चीरे गए सन दिल्ली दे विच, तीजे भाई मनी सिंह, भाई दान सिंह, भाई मान सिंह, भाई जगत सिंह, भाई रूप सिंह, भाई सोनू जी, भाई लहनू जी, भाई हठी चंद, भाई राय सिंह, 12 भरा सन। इन्हां विचों मैं सिर्फ एक दी ओ गल तुहाडे नाल सांझी करनी है। 90 साल ओ गुरु चरणा नाल जुड़ के गुजारन वाला, उहदे विचों 77 साल गुरु गोद विच गुजरन वाले, अज उस भाई मनी सिंह दे 90 सालां दी उम्र विच बंद बंद कट्टण लगे ने। जलाद ने गंडासा रखिया, उहने गंडासा रख के पहिलां सेध लेनी चाहिए, जदों उहने गंडासा गुट ते रख लिया उसे वेले भाई मनी सिंह ने अखां खोल लईआं ते एक गल पुछी, कहण लगे ओ भलिया तैनूं हुक्म की होया? कहण लगे बंद बंद कट्टण दा। कहण लगे बंद बंद कट्टण दा हुक्म होया ते अपने मालक दी हुक्म अदूली ना कर, तू गुट तो क्यों कट्टण लगा? पहला उंगलियां दे किन्ने बंद छड्ड दित्ते? यह गल सोच के उसे वेले जलाद नूं भी तरस आ गया, तेरी तौड़ी दाड़ी, ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ 90 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੋ ਕਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਆਂ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁੱਖ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਜਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਭਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਏਦੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਇਹਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਲਿਆ ਜਲਾਦ ਨੇ ਗੰਡਾਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ,
तो गुरु की बाणी नू विचारे है, कहन लगे हां मेनू सुभागा समा मिलिया है। कहन लगे जे तू गुरु दियां गल्लां सुनियां पड़ियां ने, ओ तेरा गुरु ते कहिंदा है देही बड़ी औखी मिलदी है, फिर तू क्यों गुआउण लगा है? 90 सालां दी तेरी उम्र, होर 5-4 साल जी लेंगा, किन्नी कु कहानी है, ते क्यों दुखां विच पौण लगा है? भाई मनी सिंह ने बड़ी वड्डी गल आखी सी, ओह नशियां विच रोलण वालिया, ओह नाइयां दी दुकान ते रोलण वालिया, ओह अपनी जिंदगी नूं बर्बाद करन वालिया। भाई मनी सिंह दा बोल सुन के देख होए, ओने भाई मनी सिंह ने एक गल कही सी, कहन लगे भलिया देखी किसकी बापुरी, सिखी जे साबित होए देखी ते कीदी गल है, किते मेरा मालिक दी प्रीत ना टुटे मेरी साईं दे नाल निभ जावे। देखी किसकी बापुरी, सिखी जे साबित होए, देखी तो आवन जान है, सिखी लब है कब कोए, देखी ता आउनी जानी फिर मिल जाएगी, पर जे किते प्रीत टुट गई, जे किते सिखी गवाच गई, मुड़ सिखी नहीं मेरे कोलो मिलनी, मेरा शरीर लेके ला दे पर मेरी सिखी तोड़ निभ जाए। जड़ी बेनती करन लगा सा, कदे सुबेक सिंह नूं पुछ के वेखी, शाहबाज सिंह नूं पुछ के वेखी, एक प्यो है, प्यो हमेशा चाहुंदा है मैं अपने पुत नूं इहो जी थां ते रखां ओनूं तत्ती वाह ना लगे। अज पिता नूं भी बन्निया चरखड़ी दे उत्ते, अज ओदे पुत नूं भी बन्निया होया चरखड़ी दे उत्ते। अज जदों पिता दी शरीर थले आउंदा है तां उत्ते पुत्र दा शरीर चरखड़ी ते चढ़दा है, ते उदो उदे विच किल चुभदे ने, उदे विच सूए चुभदे ने, अपने पुत दा खून वहिंदा है, उदे विच ओ पुत दे खून विच रज के इशनान करदा है, ते फिर पुत्र दे खून विच पिता इशनान करदा है, पिता दे खून विच पुत्र इशनान करदा है। 2-4 गेड़े दे के उन्हां बचा लिया, ते एक गल कही बड़ी प्यार दी, कहन लगे सुबेक सिंघा तू क्यों गलती करना है, तू ते दुनिया खा हंडा लई है, ओ भलिया तेरा पुत जे जवान है, एनू खान पीन दी उम्र है, एदे लई तू क्यों कहर करन लगा है, तू एनू चरखड़ी ते चढ़ा के क्यों गलती करना है, तू बचा ले भलिया। उन्हें एक गल आखी सी, कहन लगे मेरे कोल इको ही पुत है दातिया, मैनू कदे कोई दुख नहीं सी होया, पर अज मैनू दुख हुंदा है, मेरे कोल इको ही पुत है, मेरे कोल किते 4 पुत हुंदे, मैं 4 तेरे मंगू पंथ तो वार के सोले गाउंदा, अज मेरे कोल इको ही पुत है, मैं इको ही पंथ तो वारना चाहुंदे, मैं ते दसना चाहुंदे हमरे कारण गुरकुल गवाई, ए पंथ प्रकाश दे बोलने, हमरे कारण गुरकुल गवाई, हम कुल राखे कबन बढ़ाई, मेरी खातर गुरु ने अपने 4 पुत वार के मेरा मुख चुमिया सी, ते मैं अज गुरु दे लई अपना एक पुत वार के अपनी कुल नू बचाउणी नहीं चाहुंदा। ओ मेरे पुत दी देही तू इस धर्म दे लेखे ला दे, जे धर्म दे लेखे ना लगी इन्हें एक दिन फिर खत्म हो जाना है, खत्म ते इन्हें उदों भी हो जाना है, पर जे किते पंथ दे लेखे लग जाए ते सुभागी होवेगी। मैं फिर बार बार दोहराउना चाहुंदा है, जदों मैं पंजाब दी धरती ते फिरना है, किसे नूं रस्ता पुछदा है, मैं रास्ता पूछना है, शायद ये कोई भैया होवेगा, मैं किसी ने नफरत नहीं करता, मैनू माफ करियो, मैं सोचना शायद यूपी का रहने वाला होवेगा, शायद किसी होर थां दा रहने वाला होवेगा, रात बरसते रास्ता पूछना है, मैं उन्हें हिंदी बोल के पूछने की कोशिश करदा है, ओ अगे पंजाबी बोल के मैनू रास्ता दसदा है, मैं हैरान हुन्ना है, ओ तेरे चेहरे तो सिक्खी झलकनी चाहीदी सी, ओ तेरे चेहरे तो गुरु गोबिंद सिंह लभना चाहीदा सी, तेरे चेहरे तो पंजाब दी झलक आउणी चाहीदी सी, तेरे चेहरे तो गुरु नानक दे दर्शन होने चाहीदे सन, तेरे चेहरे तो साहिबजादियां दे दर्शन होने चाहीदे सन। ओ भलिया आ तू रूप की बना लिया, जे अपनी देही लेख ही लाउणी है, ओ इहनू बाकी थावां ते ना रोल, इहनू नशियां विच ना रोल, इहनू पाप दी दुनिया विच ना रोल, जे रोलना ही चाहुंदा है, जे लेखे लाउणा ही चाहुंदा है, ता अपनी देही नू गुरु दे लेखे ला। होए सजणा, जेड़े अपनी देही नू गुरु दे लेखे ला जांदे ने, ओ 4-4 सालां दे बच्चियां नू लोक बाबा कह के बुलाउंदे ने,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੇਰਾ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਲੇਖੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਘਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ, ਮਾਪੇ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰੇ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਬੇਸੁਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਪਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਕੀ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ, ਸਿਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੱਜਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਉਣਾ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਰੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਏਦੋਂ ਚੰਗਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਰੱਸਾ ਨਾ ਪਕੜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਸੀ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰ, ਆ ਕਾਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਰ, ਆ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭ ਗਈ, ਰੱਸਾ ਪਕੜਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੱਸਾ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਾਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਗੋਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਅੱਜ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਮਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ ਜਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਧੀਏ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਦੁਲਾਰਾ ਬਣ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਲੀ ਜਾਣਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਜਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਣ ਤੇਰੀ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣਾ ਏ ਜਾਂ ਕਬਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀੜਿਆਂ ਖਾਣਾ ਏ, ਕਰ ਚੇਤਾ ਮਰਗ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ, ਮੌਤ ਨਾ ਛੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਸਭੇ ਛੱਡ ਛੱਡ ਗਏ ਅਡੰਬਰ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਵਾਜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਵੇ ਤਖਤੇ ਤਾਜੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਸੱਜਣਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰੇ ਨਰ ਕਾਹੇ ਪਪੋਰੋ ਦੇਹੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਐਡੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਜੀ।
उड जाएगो तुम बादर एक पाज हो राम सनेही। उड जाएगो उड़ जाना इन्हें तुम बादरो साहब ने बचन आखिया कहते जिम्मे एक धुए का बदल हो जाए एक बदल हो जाए जब धुआं आ जाए थोड़ा जहा तो वेखन बंदे लगता भी बड़ा बड़ा सहारा है जिम्मे बदल हो जाए आकाश विच ते बंदे लगन लग पैंदा है भी बड़ा बड़ा सहारा है हुण मैनू धुप की लोड़ नहीं हुण मैनू धुप नहीं सताएगी। पर भलिया एक गल चेता रखी ये जिहड़ा दुनिया के बदलों का छां हुंदी है ना यह सदीप नहीं हुंदी ये ते झोंका आया उड़ जाना। इसे तरह दुनिया के धन पदार्थ ने गुरदेव गुरु तेग बहादुर साहब जी का वचन है वह कहिंदे अपने मन में सोच इन्हें सदीप तेरे नाल नहीं रहना अपने मन में विचार कर तेरी उम्र बतीत होंदी जा रही है वह साईं दे नाल प्रीत अपनी डूंगी कर लै साईं नाल प्यार पा लै बीत जा है जन्म अकाज रे निस दिन सुनके पुराण समझत नहीं रे अजान काल तो पहुंचो आन कहां जह भाजरे आसर जो मान्यो दे सो तो तेरे होए है खे क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख निराज रे छाड़ देता है मन को मान राम भगत की है आन नानक जन एह बखान जग में बराज रे ओ बंदिया हंकार छड़ दे ए देही दे नाल तू रब दा परमेश्वर दा निरंकार दा नाम जप लै उदे गुणा नू धारण कर लै सदीप तेरे नाल ऐसे ने निभना है जी। सोरठ महला पंजवा सोरठ राग अंदर धन गुरु अर्जन पिता जी महाराज दे ए पावन पवित्र बचन ने जी। पुत्र कलतर लोक गृह बनता माया संबंध एक एक शब्द मेरे पातशाह ने चुन चुन के सानू दसे है हजूर आखते ने कहन लगे जेड़े पुत्रां दी खातर भाव औलाद दी खातर कलतर दा अर्थ हुंदा है इस्तरी जेड़े पुत्रां दी खातर एक लख पूत सवा लख नाती तेहरा बन कर दिया ना बाती जेड़ी इस्तरी दी खातर तू इन्हें पाप करना है पाप पति पत्नी दी खातर पाप करना है इत्थे कल्ली गल इस्तरी दी नहीं है उदाहरण एक दी है लागू दोनों ते हुंदा है घर की नार बहुत हित जांस्यो सदा रहत संग लागी जब की हंस तजी एक आया प्रेत प्रेत कर भागी कहन लगे इन्हें तेरे नाल नहीं निभना उत्तर है कलत्तर है जा ए दुनिया दी धन दौलत है इन्हें एक दिन तेरा साथ छड़ जाना लोक ग्रह दा अर्थ हुंदा है तेरे घर वाले ने जितने बनता दा अर्थ हुंदा है स्त्री माया संबंधे ही जेड़े माया दे नाल तेरे रिश्ते रखी बैठे ने ए जितने भी तेनु संबंधी नजर आउंदे ने जी। अंत के बार को खरा ना हो से सब मिथ्या असले अंत नू तेरे नाल किसे ने खरा नहीं उतरना सारिया ने तेरा साथ छड़ जाना है सदीप तेरे नाल किसे नहीं निभना इन्हां दे विचों जेड़ा ए असनेह है जेड़ा ए प्यार है ए ते सिर्फ झूठा जा प्यार है हजूर दा अमृत बचन एक पावन पवित्र बड़ा प्यार है ते कई बारी तुसी पढ़दे होवोगे हर जस रे मना गाए लै जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है कहो मान लै मेरो ओ बंदिया सोच लै ए जेड़े कुटुंब नू तू पाली बैठा है इन्हें सदीप तेरे नाल नहीं जाना हजूर गुरु अमरदास जी का पावन गुरबाक पढ़ते हो रोज ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ए कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइए ऐसा काम मूले ना कीते जित अंत पछोताई है अपने मन विच भावना बना भई मैं जेड़ा मन लाउणा है ਉਹ ਸਾਈਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਪ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਇਹ ਤੇ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਦੀਪੀ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹਾਓ ਤੇਰਾ ਸੰਗਿਆ ਕਰ ਦੇਹੀ ਕਿਨੇ ਜਲ ਕੁਕਰ ਪਾਸਾ ਮੇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਰਨੀ ਹੈ
एक किसे मोहल्ले विच दो बंदे किराएदार आए। एक किराएदार बड़ा सियाना सी, ओदे नाल भी शर्त तय हुई भई भलिया जदों भी कदे ए माल मकान तेनू सांभ के रखना पवेगा, जदों भी मैं कदे तेनू कहांगा तेनू मकान खाली करना पवेगा। और तीजी शर्त यह है इहदे नाल भई एक नंबर एक संभाल के रखना है, दूजी गल यह भई जदों मैं तेनू कहां खाली कर दे उदों तू खाली कर देवी, तीजी गल यह तेनू हर एक महीने इहदा थोड़ा जिहा किराया देना पवेगा। बंदे ने तिन्ने गल्लां प्रमाण कर लईआं, रहण लग पिया। उहदे गुआंढ विच इसे तरह एक होर किराएदार आया, वह भी रहण लग पिया, उहने भी यह तिन्ने शर्तां तय कर लईआं। हुण होया कि एक ते किराएदार चंगा सी, उहने घर भी संभाल के रखिआ, उहने घर भी संभाल के रखिआ, ते नाल उहने वड्डी गल उह हरेक महीने किराया देंदा रिहा। तीजी गल जदों उहने मालक ने आखिआ भी तूं इहनूं खाली कर दे, ओ उस दे कहण तो पहला समान बनी बैठा सी, कहण लगे ठीक है सज्जणा जिस दिन तेरा हुक्म आ गया मैं उस दिन खाली कर देंगा। दूजा किराएदार ओ सी जेने ने ना ते महीने का किराया दिता ते ना ही घर संभाल के रखिया, मर्जी नाल बारियां खिड़कियां कढ लईआं। ते तीजी गल जदों हुण मालक कहिंदा भी तू घर खाली कर दे, ओ खाली करन लई भी तैयार नहीं। ते याद रखियो जे खाली घर उहदे कोलों भी करवा लिया जाणा, घर खाली उहदे कोलों भी करवा लिया जाणा, उहदे कोल रहा नहीं जाणा, घर उहनूं भी खाली करना पैणा। पर चेता रखो जे मैं बेनती करां जिस दिन उहदा घर खाली होणा पहला बंदा ते समान अपना आप बन के तैयार होई बैठा सी, दूजा बंदा उह है जिहदा समान चुक के बाहर खिलार दिता जाणा ते उहदी बेइज्जती होणी है, उहनूं होर भी कोई मालक ने अपने वल्लों घर देणा नहीं है। भई लै हुण तैनूं मैं अग्गे कोई घर देणा है। कहण लगे इहो जी कहानी साडे नाल नित दिहाड़े वरतदी है। रब ने चंद कु रोज रहण वास्ते आ शरीर रूपी सानू घर दिता है, पर रब ने तिन्ने शर्तां तय कीतियां। इस शरीर विच जिन्ना चिर तू रवेंगा इहदी तोड़ फोड़ नहीं कर सकदा, इहनू किसे तरीके गलत तरीके नहीं वरत सकदा। बंदे ने वादा कीता ठीक है रब्बा मैं जेहो जिहा दात तू मैनूं बख्शिश कीती है, कबीर जैसी उपजी पेड़ ते तैसी निभ है ओड़, हीरा किसका बपरा उजे न रतन करोड़, जेहो जी तू मैनूं देही दित्ती है मैं उही जी देही तैनूं वापस देंगा। दूजी शर्त यह तय हुई भई मैं हर महीने तैनूं किराया देंगा। इहने वादा कीता दातिया जिहड़ी देही दित्ती है मैं रोज तेरा शुकराने रूपी किराया दिया करांगा, इहदा मुल ते नहीं मैं दे सकदा पर मैं इहदा किराया दिया करांगा। रोज उठ के बेनती करांगा जय प्रसाद अरोग कंचन देही लिब लाभो तिस राम स्नेही। मैं मालक नूं बेनती करिया करांगा रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अग्न में जिने उबारिया बार व्यवस्था तुरे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साख सहन मुख अपियाओ बैठ को दैन। मैं हर रोज एदी किस्त अदा करिया करा करांगा, मैनू याद रवेगा दातिया तू एडी कीमती देही मैनू बख्शिश कीती है। मैं रोज क्या करांगा तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है। देखो दर्श हर राया रब्बा तेरा धन्नवाद तू बड़ी कृपा कीती, जिन कन कीते अखी नाक जिन जेबा दित्ती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए बाजे पवन अख सब जाए। जेड़े मालक ने एडियां रहमता करके मैनू देही दित्ती है मैं उस मालक दा रोज धन्नवाद करिया करांगा। नंबर एक इहनू संभाल के रखांगा, नंबर दो मैं रोज किस्त दिया करांगा रोज किराया दिया करांगा, तीजी गल यह दातिया जदों तू कमेगा भई इहनू खाली कर दे मैं तेनू बेनती करांगा कबीर मोगे मरने का चाओ है। मैं ते समान मनी बैठा दातिया जदों तेरा हुक्म आया मैं छड़ के चले जाना है, कबीर मोगे मरने का चाओ है। मरो तो हर कै द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार, ओदियां ते सारियां गल्लां प्रवान हो गईयां। ओनू ते मालक ने आख्या पुत्रा जे तू ए घर विच चंगी तरह रहा आ मैं तेनू एदो वड्डा घर दे दिया। फिर रब ने इहनू ओदो वड्डा घर दिता, उस घर दा नाम सी निज घर महल पावो सुख सहजे बहर ना होए गो फेरा। हुण तेनू मैं एडा वड्डा घर देण लगा हुण तेनू एथों कोई नहीं कढेगा, शरीब अपनी जिंदगी दा सुख माणी
दूजा वो सी जिन्हें इस मकान नू अपनी मर्जी नाल भन्निया तोड़िया, कदे कन्ना नू भन्न लिया, कन्ना विच मुद्रा पा लईया, एक दी कई कई थावां ते कन्ना नू भन्न के उहदे विच चार चार थावां ते अजकल कई ऐसे ने उदा सिखी दियां गल्लां करदे ने, अपने शरीर दे उत्तो केस कटा के उत्तो इत्थे ओह इक पता नहीं उहनां दा नाम, मैनूं बहुता नहीं पता इस बारे, पर इत्थे तरां तरां दे वेर बूटे छपवा लैंदे ने, सिखी दियां गल्लां लिखवा लैंदे ने, ओह भरिया इत्थे तू रब दे शरीर नूं भन्न दे, जिहो जिहा उहने बना के दित्ता उहनूं ओसे तरां रख लै, गुरु दी कृपा तेरी बांह ते रखाया कुछ नहीं बनना, खंडा बांह ते छपवाया कुछ नहीं बनना, खंडा अपनी गर्दन ते छपवाया कुछ नहीं बनना, ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰੇ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੋਏ ਭਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਾਤਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰੇ ਖੰਡੇ ਛੁਪਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਭਲਿਆ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੀਂ, ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਭੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾੜੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਬੰਨ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਵਿਓ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਵਾਹੇ ਹੋਏ ਖੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਜਿੰਦਨ ਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਕੁੜਕਾਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਾ ਕੜਕਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ ਦਾ ਰਾਗੀ ਬਣ, ਉਹ ਨਾ ਬਣ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ, ਹੋਏ ਪਸਮਣ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਪੂਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਥ ਚਲਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਥ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਵੇਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ,
इहनू अखीर नू लोकी या पानी विच सुट देंदे ने, कुत्ते खा जांदे ने, भाव कीड़े काढे खा जांदे ने, जां ए मिट्टी दी ढेरी बन जांदी है। ओए आमर गृह मह बैठा करन कारण बेसरोही। आमरो दा अर्थ हुंदा है अमार, भाव मैं ते सदा ही रहना है, ए सोच के अपनी देही विच बैठा है। होए आमरो ग्रह में बैठा, अपने घर दे विच बैठा होया, सोचदा शहर मैनू कदे मौत नहीं आउणी। करन कारण बिसरोगी, जेड़ा सब कुछ करन कारण वाला मालक है, ओनू तू भुलाई बैठा है। भलिया रब नू भुलाया, ए ना सोची मैनू मौत नहीं आउणी, बल्कि रब नू चेता कर, गुरु नू चेता कर, गुरु तेनू दसेगा तेरी देही देगी दा जदों अंत आवे, ते उदों अंत किहो जिहा आवे। पुछ के देख कदे राय बुलार नू, गुरु नानक साहिब जी उदासियां ते चले, राय बुलार दियां अखां विच पानी, उहने वचन आखिया, कहन लगे दातिया मैनू अज छड चलियो, जिंदगी तुहाडे आसरे गुजर गई सी। साहिब कहिंदे बजोग इन्ना क्यों करदे हो, कहन लगे पातशाह कोई तमन्ना रही है जिंदगी विच, किते आखरी श्वास तेरी गोद विच निकले। अज राय बुलार उड़ीकदा है, 1515 दे नेड़े ओदी मौत होई सी, जदों गुरु नानक साहिब जी पहली उदासी तो वापस आए सन। अज राय बुलार उड़ीकदा, उड़ीकदियां उड़ीकदियां नौकर नूं कहण लग्या, ओ मेरे हाथ चुक के छाती ते रख के जोड़ दे, मैं अज अपने मालक नूं अरदास करनी है। ओ साहिबा दुनिया दियां आसां टुट गईयां, वेखी किते तेरी आस ना टुट जावे, अरदास करदियां। जदों ओ अपने दिलों पछतावा कर रहा है, अचानक ओदे पैर छूए, राय बुलार कलप गया, कहन लग्या नौकर नूं मैं तैनूं किन्नी बारी कहा मेरे पैर ना छूया कर। नौकर दियां अखां विच पानी आया, कहन लग्या मैं नहीं तेरे पैर छू रहा। कहन लगे फिर मेरे पैर कौन छू रहा है, कहन लगे जेड़े दाते गुरु नानक साहिब नूं सनेहे भेजदा सी, याद करदा सी, ओयो गुरु तेरे कोल खलोता है। जदों ओ गुरु जी आए, राय बुलार रो के कहन लग्या पातशाह इक मनशा पूरी कर दे। कहन लगे दसो, कहन लगे मेरा शरीर अपनी गोद विच लै लै। आखरी श्वास राय बुलार ने गुरु नानक साहिब दी पवित्र गोद विच लिया सी। जदों तेरी जिंदगी दा अंत आवे, रब नू ना भुला, बल्कि एहो जी जिंदगी गुजार, रब तेरे कोल होवे जी। अनक पात कर मणिए साजे, काचा ताग परोही। अनेक तरह दे मणके बना के रब ने एक कच्चे धागे विच परोए ने। टूट जाएगो सूत बापरे, फिर पाशा पछतोही। जदों ए धागा टुट गया, मणके खिलर जाने ने, बाद विच पछतावेगा। जिन तुम सिरज सिरज सवारे, तिस त्याव हो दिन राय ले। रह नेही दा दिन अते त्या रात त्या, जेड़े मालक ने तेनू इन्नी सोहनी देही बख्शिश कीती है। जन नानक प्रभ कृपा धारी, मैं सत गुर ओट गही। जदों मेरे मालक ने कृपा कीती, मैं गुरु दे दसे राह ते तुरिया, ते मैं उमे अपने शरीर नू गुरु दे लेखे लाया, संभाल के रखिया, दाते दा धन्नवाद कीता। साहिब दाता मेहर करे, सानू गुरु दसे राह ते तुरना आ जाए, असी अपनी जिंदगी दा लाहा खट सकीए, नशियां दा त्याग करिए, पत्तर पुड़े दा त्याग करिए, गुरु दी गोद नू हासिल करिए। भुला चुकां दी खिमा, धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज दा धन्नवाद, समुची साध संगत दा धन्नवाद, श्रोमणी कमेटी प्रबंधक कमेटी दा धन्नवाद, अवतार सिंह जी दा जथेदार अवतार सिंह जी, प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्हां दा भी धन्नवाद, सत्कारयोग सिंह साहिबान जी, समुचे सिंह साहिबान जी दा बहुत धन्नवाद, जिहड़े बहुत प्यार दिंदे ने, अपने बच्चे दा भी धन्नवाद, जिहड़े अमृत बाणी दा हुक्म शब्द सरवण करवाउंदे ने। भुला चुकां दी खिमा, आखरी पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करिए जी। जिन तुम सिरज सिरज सवारे, तिस त्याव हो दिन राय लेही। जन नानक प्रभ कृपा धारे, मैं सतगुर ओट गही। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
डिठे सभे था डिठे सभे था नहीं तुझ